खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। रुपवास कस्बे के अंबेडकर पार्क में बहुजन समाज पार्टी की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें होने वाले नगरपालिका चुनाव को लेकर चर्चा की गई। पार्षदों से आवेदन पत्र मांगे। इस मौके पर अजय सिंह गुर्जर, बदन सिंह कुशवाहा, जवाहर सिंह, ब्रजमोहन, चंद्रभान एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको कोट-कोट नमन करते हुए मैं कहना चाहूँगा, आज जो बाबा साहब को सम्मान मिला है, चाहे कोसी टीम चला लो या गुजरा लो, तो बाबा साहब को सम्मान मिला है वो केवल केवल माननीय काशीराम की देन है, मायावती की देन है और किसी की देन नहीं। चाहे कोई बीमार भी चला ले, चाहे कोई और सा संगठन चला ले, कोई केवल बसपा की देन है। आज जो बाबा साहब को सम्मान मिला है, वो आज से पहले बाबा साहब की उंगली को तोड़ने वाले तमाम लोग थे, उस टाइम पर उंगली उठाने वाला था नहीं। मैं कह रहा हूँ इस चीज को, बाबा के साथ में बसपा की देन है, मायावती की देन है, माननीय काशीराम की देन। हम तो साफ इतना ही कहेंगे कि भविष्य के लिए रूपास में चेयरमैन का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक पार्षद की टिकट देंगे और हम ये भी दावा करते हैं कि चेयरमैन के लिए भी दावेदारी किसी बसपा प्रत्याशी को खड़ा करेंगे, और जिससे अधिक से अधिक चेयरमैन आए और पार्षद आए। हमारा रुझान तो बसपा की तरफ है। मैं बदन सिंह कुशवाहा, बसपा, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मनोज। भरतपुर से सतीश सारस्वत की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।